अस्सलामुअलैकुम गाइस। तो ये मेरा व्लॉग जो है काफ़ी अर्से बाद आ रहा है, तकरीबन कोई एक माह हो चुका है जो मैंने लास्ट व्लॉग डाला था। तो सबसे पहले जो मैं आपको बता देता हूँ, मेरी जो जॉब लग चुकी है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर में। तो लाहौर में आपको थोड़ा बहुत दिखाता दूँगा यार, मुझे हंसी इसलिए आ रही है, लाहौर वैसे तो शहर अच्छा है लेकिन इसमें आलूदगी काफ़ी ज़्यादा है और मैं लाहौर में पहली बार आ रहा हूँ, तो मुझे इसका कुछ खास पता नहीं है यहाँ की जगहों का। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे पुराना होता हूँ आपको वैसे वैसे लाहौर की जगह दिखाता रहूँगा। तो अभी मैं मौजूद हूँ, पता नहीं कहाँ पे मौजूद हूँ, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा यहाँ का नज़ारा दिखा देता हूँ। वापस जाने लगे हैं अपनी रिहाइश पे, जहाँ पे हमारी रिहाइश है, जहाँ पे हमें जॉब लगी है उसके करीब ही रहने की जगह है। तो वहाँ पे हमने रेंट पे लिया हुआ है हॉस्टल में एक कमरा, तो वहाँ से अभी काफ़ी दूर है। तो मैं आपको ऐसे ऐसे रास्ते में जो जो कोई अच्छी जगह है कि मैं आपको दिखाता रहूँगा। तो इंशाल्लाह अब कोशिश करूँगा मेरे ब्लॉग आते रहें, जैसे गैप आ जाता है एक माह का और ज़्यादा भी आ जाता है कभी कभार, तो इंशाल्लाह अब ऐसा नहीं होगा, ब्लॉग में डालता रहूँगा। और आप देखते रहिएगा, लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। जो है कि हम जा रहे हैं वापसी रिहाइश की तरफ यार, यहाँ पे मैं रोड के करीब हूँ तो शोर वगैरह काफ़ी आएगा ट्रैफिक का। तो अभी जो है हमारे करीब एक पार्क है यहाँ पे, इसके दूसरी साइड पर पार्क है, वहाँ पर बच्चे वगैरह खेले हुए हैं, आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर सभी लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे जी खेल भी रहे हैं और यहाँ पे बड़े प्यारे प्यारे फूल लगे हुए हैं। जहाँ पे मैं रह रहा हूँ असल में वो जगह सारी जो है जहाँ पे हमारी रिहाइश वगैरह जाती है और जहाँ पे मैं मौजूद हूँ वो है गार्डन टाउन, न्यू गार्डन टाउन है जो भी है। लेकिन मैं पहली बार ही लाहौर आ रहा हूँ, मुझे लाहौर के बारे में इतना पता नहीं है। तो यार मुझे जॉब ना करनी पड़ती, अगर आप लोग चैनल मेरा शेयर करते सब्सक्राइब करते तो आज मैं यहाँ पर जॉब ना कर रहा होता, लेकिन यार मजबूरी है, करनी पड़ती है। तो इंशाल्लाह जब कामयाब हो जाएंगे व्लॉगिंग चैनल में तो जॉब वगैरह तो फिर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी जो है हम कहाँ पे मौजूद हैं मुझे ये भी नहीं पता, क्योंकि मैं लाहौर के बारे में कुछ भी नहीं जानता। जो मेरे साथ थे, जो मेरे सीनियर थे, वो तो अपने पे अकेले अकेले चले गए कहीं पर सुबह सुबह, तो मैं थोड़ा लेट उठा था। तो अभी इस वक्त जो है मैं अपनी रिहाइश पर जा रहा हूँ, वहाँ पर जाकर थोड़ा रेस्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी देर हो गई मैं बाहर निकला हुआ हूँ और बस लाहौर देखने की कोशिश कर रहा हूँ और आप लोगों को भी दिखाता रहूँगा साथ साथ में। और यार मैं काफ़ी दूर आ गया था, थक भी काफ़ी चुका हूँ, रास्ता काफ़ी तय कर लिया था, पैदल आते आते मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कहाँ पे पहुँच चुका हूँ, लेकिन शुक्र है रास्ता सीधा था और मुझे अपनी जगह का पता है वापस कैसे जाना, जहाँ से आया था वैसे ही वहीं वापस जाना है मैंने। वो ऐसा ऐसा ऐसे चलते चलते वापस पहुँच जाएँगे इंशाल्लाह। रिहाइश के करीब पहुँच चुके हैं और हमने ये रोड क्रॉस कर लिया है, तो रोड क्रॉस कर लेते हैं भी। रोड हमने क्रॉस कर लिया है और हम जा रहे हैं अपनी रिहाइश पे और रिहाइश के करीब पहुँच चुके हैं। तो यहाँ से थोड़ा आगे जाके हमारी रिहाइश आती है, वहाँ पे रह गए हैं जी जानते हैं। लाहौर यार, लाहौर में और कोई खामी नहीं है, बस लाहौर बाकी सारा ठीक है, लेकिन यहाँ पे अभी काफ़ी ज़्यादा है पोल्यूशन यार। अगर कोई नया बंदा आए ना यहाँ पे तो उससे सही फील होता है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन है। जब यार मैं तो एक गांव का रहने वाला हूँ जहाँ पे ताज़ी हवा सब कुछ ताज़ा ही मिल जाता है, तो यहाँ पर जब मैं आया हूँ तो मुझे वाजे पता चलता है कि यार यहाँ पर कितनी पोल्यूशन है, बंदे को सांस लेना तक मुश्किल हो जाता है। मुझे पता चलता है कि यार हाँ ये जगह सही पॉल्यूटेड है, और लाहौर तो वैसे भी दुनिया में पहले नंबर पे है पॉल्यूशन के हिसाब से। तो यार अभी मैं काफ़ी थक चुका हूँ, तो आज के लिए बस इतना ही व्लॉग, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे और आपको काफ़ी चीज़ें दिखाऊंगा। ये तो शॉर्ट सा व्लॉग बना है मेरा, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त।
अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।